फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा मीन दिया तो हमें के का वैल्यू निकालना। तो चलिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ पहले, ठीक है ना जी। चलिए देखिए यहाँ पर मैं एक चार्ट बना लेता हूँ। ये आपका हो जाएगा एक्स आई, ये आपका एफ आई, और यहाँ पर एफ आई एक्स आई। ये देखिए दिया है 10, 15, P, 25 और 30। यहाँ पर देखिए है 5, 10, 7, 8, 2। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 50, 150, 7P और यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 और ये 60। चलिए अब इसके बाद देखिए ये सिग्मा एफ आई एक्स आई और ये सिग्मा एफ आई, इनको ऐड करके लिखते हैं। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 200, 400, 460 और प्लस का 7P। अच्छा यहाँ पर देखते हैं ये 10 और ये भी 10, 20 और ये 12 तो 32। तो मीन इक्वल टू में दिया है आपके पास कितना 18.75। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई और वाई में सिग्मा एफ आई ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह इक्वल टू में कितना है 18.75। ये देखिए ऊपर आ जाएगा 460 प्लस का 7P और वाई में 32 इक्वल टू में 18.75, है ना जी। ये जाके उधर मल्टीप्लाई कर देगा तो 460 और प्लस का 7P इक्वल टू में, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 18.75 में 32 से, तो आपका आ जाएगा 600। ये जाकर तो सब जाएगा तो 7P इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 140। ये जाएगा डिवाइड में तो P का वैल्यू आ जाएगा 20। तो P का वैल्यू ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ द मीन